तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बात करते हैं BGMI की, यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। गुरुवार की शाम को एक खबर आई कि इसको अचानक से बैन कर दिया गया है और गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ एप्पल प्ले स्टोर से भी इसको हटा दिया। ये गेम कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुआ था, जो कि पबजी मोबाइल इंडिया का एक रिप्लेसमेंट था। इस गेम को क्राफ्टन ने बनाया था, लेकिन अगर आप इसको अभी गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो वहां पे आपको ये नहीं मिलेगा। हालांकि क्राफ्टन का एक नया गेम पबजी न्यू स्टेट अभी भी हमारी कंट्री में अवेलेबल है। जब ये गेम बैन किया गया तो एप्पल ने भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन गूगल ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि उनके पास एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था जिसकी वजह से उन्हें गेम को हटाना पड़ा। गूगल ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जैसे उन्हें गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला, उन्होंने इस ऐप के एक्सेस को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया। BGMI के डेवलपर्स ने भी गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी थी ताकि इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पे वापस ला सके। क्राफ्टन का भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि उन्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट ने गेम क्यों बैन कर दिया, वो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। ये खबर भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गई और लोग इस पे कमेंट करने लगे कि ये गेम बैन क्यों हो गया। BGMI के लवर्स भी काफी ज्यादा चिंता में दिखने लगे थे। इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए फ्राइडे को 3 बजे एक मीटिंग रखी गई। अब सभी लोग इस मीटिंग के खत्म होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी जानना था कि ये गेम बैन होगा या नहीं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या BGMI को सही में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया? तो गाइस, इसका आंसर है हाँ, इस गेम को इंडिया में बैन कर दिया गया है। इससे पहले भी इंडिया के यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने यह कहा था कि पबजी को जब इंडिया में 2020 में बैन कर दिया गया तो पबजी जैसे दूसरे गेम अभी भी प्ले स्टोर पे क्यों अवेलेबल है। वो यहाँ पे डायरेक्ट BGMI को ही पॉइंट आउट करना चाहते थे। जैसे ये मीटिंग खत्म हुई, गवर्नमेंट ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाई दिया। इस गेम को बैन होने के पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हाल ही में एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मम्मी को गन से शूट कर दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मम्मी ने उन्हें ऑनलाइन गेम जैसे पबजी वगैरह को खेलने के लिए मना किया था, तो उस बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने अपने पापा की लाइसेंस गन से उनको डायरेक्ट शूट कर दिया और उनकी मौत हो गई। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि पिछले काफी टाइम से काफी सारे NGOs ने गवर्नमेंट को कंप्लेन करी थी कि इस गेम को बैन कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने भी अपना फाइनल डिसीजन सुनाई दिया। उन्होंने सेक्शन 69A ऑफ द इंडियन IT लॉ के तहत इस गेम को बैन कर दिया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट किसी भी एंटिटी या फिर ऐप को बैन कर सकती है जो कि इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस या सिक्योरिटी के वे में आती है। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू था, इसलिए गवर्नमेंट को इस गेम को बैन ही करना पड़ा। गवर्नमेंट को यह भी पता लगा कि क्राफ्टन ने इंडियन प्लेयर का डेटा चाइनीज सर्वर में भी शेयर किया है, तो इसी वजह से एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बन गया, तो गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और इसी कंसर्न की वजह से 2020 में उन्होंने सारी चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट प्ले स्टोर से लगभग 270 चाइनीज ऐप बैन कर चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट को यह शक होने लगा था कि इन ऐप के थ्रू इंडिया का डेटा चाइनीज सर्वर में जा रहा है। तो बस इसी डाटा शेयरिंग के कंसर्न को लेकर BGMI इंडिया में सेफ नहीं था, इसलिए उसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। आखिर इतने बड़े नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के सामने BGMI एक गेम कहां स्टैंड करता है? तो हाँ, फाइनली ये इंडिया में बैन हो गया और शायद ही आप इसको अब दोबारा प्ले स्टोर पे देखेंगे। शायद इसी सेम रीजन की वजह से इंडिया ने दूसरा गेम गैराना फ्री फायर, जो कि बच्चों में काफी ज्यादा फेमस है, वो भी बैन कर दिया था। लेकिन फिर गैराना के सर्वर ने दूसरा गेम गैराना फ्री फायर मैक्स लॉन्च किया था। लेकिन BGMI बैन होने के बाद इंडिया के जो गेमर्स है उनके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि उनके काफी सारे टूर्नामेंट इसमें होते हैं। हाल ही में अगर आप देखोगे तो BGMI से रिलेटेड काफी ज्यादा टूर्नामेंट हुए थे जिनका प्राइस पूल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन अब इन सारे गेमर्स को भी BGMI को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन सारी चीजों को अगर हम देख भी ले तो भी इंडिया की सिक्योरिटी या डिफेंस के ऊपर इनको नहीं लाया जा सकता। हालांकि जिन्होंने ये गेम पहले से इंस्टॉल कर रखा था उनके फोन में अभी भी चल रहा है, शायद 1 या 2 दिन में ये पूरी तरह से हट जाएगा। तो गाइस, आपके अकॉर्डिंग क्या है, गवर्नमेंट का डिसीजन सही है? क्या ये हमारे यूथ को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा? आपके अकॉर्डिंग जो भी लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसके बैन होने के पीछे क्या क्या फायदे और नुकसान होंगे ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।